आज यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस खास अवसर पर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र शामिल हुए। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि इसमें देश के कई अलग अलग जगहों से छात्रों को पीएम मोदी से सवाल पूछने का मौका मिला। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सबसे प्रिय कार्यक्रम है उनका। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि कोरोना की वजह से वह किसी से मिल नहीं पाए। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष खुशी का है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होते हैं, इस वजह से त्योहारों का मजा नहीं ले पाते, लेकिन अगर परीक्षा को ही त्योहार बना दे तो उसमें कई रंग भर जाते हैं। प्रश्न मेरे मन में है, क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं, और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। आयुर्वेद चिकित्सकों के देश में सबसे बड़े मंच नीरोग स्ट्रीट की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने नीरोग स्ट्रीट के कार्यों की सराहना की और अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने बाकायदा संस्थान का नाम लिया। उन्होंने नीरोग स्ट्रीट का नाम लेते हुए कहा कि आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम
में निरोग स्ट्रीट एक अनूठा कॉन्सेप्ट है। इसका टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुर्वेद डॉक्टरों को सीधे लोगों से जोड़ता है। 50,000 से अधिक प्रैक्टिशनर इससे जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।